ईस्ट्रोजन का लेवल जब अपनी जगह पर जितना होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद हमारे पास ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? ओवरी। ओवरी के बाद रिलीज होगा दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जिसके रिजल्ट में ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन के बाद हमारे पास जो आपका पता है कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये चारों हार्मोन्स जो है वो मिल मिला के किसी तरह से वो सारा हिसाब किताब करते हैं, जिसमें से ईस्ट्रोजन जब रिलीज हुआ था तो इसके फंक्शन होते हैं, मतलब ब्रेस्ट पे भी स्नैक करना होता है, थोड़ी सी एंडोमेट्रियल थिकनिंग भी करनी होती है, और इसकी वजह से LH ने रिलीज होना होता है और ओवुलेशन होनी होती है। अगर ईस्ट्रोजन मुसलसल बहुत ज्यादा हाई रहेगा और लो नहीं होगा तो LH रिलीज नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब ईस्ट्रोजन के लेवल को अपनी हद तक होने के बाद डिक्रीज कर जाना होता है ताकि LH रिलीज हो और ओवुलेशन हो सके। इसी तरह जो प्रोजेस्टेरॉन है ये सब रिलीज होते हैं तो इसका फंक्शन होता है कि इसने थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम करानी होती है ताकि इम्प्लांटेशन के लिए उसको प्रिपेयर कर सके। आपको पता ना इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होती है। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो सर्वाइकल म्यूकस बहुत थिक हो जाता है और एंडोमेट्रियम भी बहुत थिक हो जाता है, इतना कि इम्प्लांटेशन फेवरेबल ही नहीं रहती, ठीक है? तो ये दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को एज हॉर्मोन्स हम दे सकते हैं पेशेंट को ताकि हम फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट कर सकें। अब वो दो तरह से दे सकते हैं, या तो हम ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में देंगे या फिर हमारे पास और चीज़ें हैं, जैसे हम इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं, स्किन के नीचे कोई पैच लगा के दे सकते हैं, और वजाइना में इंसर्ट करने वाला कोई रिंग दे सकते हैं जिसकी तरह जिसमें से हॉर्मोन रिलीज हो रहे हो। उसमें सबसे पहले अगर ओरल पिल्स की बात करें तो कंबाइंड पिल्स होती हैं, यानी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज करते हैं, जिनको COC लिखते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है? इसी नाम से ये आपके पास आएंगी। और इसमें वो आपसे MCQ में पूछते हैं, बाकी सारी बातें तो बुक में लिखी हुई है कि मेला एन एंड मेला डी में क्या डिफरेंस है और ज्यादा अच्छी कौन सी है। तो नाम इनके हैं, मेला एन में भी वही दो चीजें हैं, ठीक है, नॉरगेस्ट्रल है, लीवर नॉरगेस्ट्रल और एथिनाइल ईस्ट्राडियोल, और मेला डी में भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है और मेला डी इज मोर गुड, ठीक है, बाकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद जो इसका मैकेनिज्म है और क्या चीज़ है जिसको ज्यादा ध्यान रखना है, लाइक तीन पिल्स अगर फीमेल मुसलसल मिस कर दे तो फिर उसको ये तरीका छोड़ना पड़ता है और फिर उसे अपने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंतजार करने के बाद दोबारा स्टार्ट करनी होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देख लेना, उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वो मतलब बताने वाली कोई बात नहीं है। चेकलिस्ट जो है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रिस्क्राइब करने से पहले जो लाजमी करनी होती है कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक उसे सीजर्स तो नहीं है, उसकी कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री तो नहीं है, उसे क्या क्या नहीं है, वो तो रट्टा लगाने वाली चीज़ है क्योंकि वो आपके SEQ में बहुत ज़्यादा आती है कि क्या चीज़ें हैं जो हम कभी भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव से पहले पूछेंगे। और आपको अक्सर औकात वो MCQ देते होते हैं जिसमें सिनेरियो बना के देते हैं कि एक फीमेल आपके पास आई थी और उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहिए था, फलाना फलाना फलाना, और उसमें से वो बता देते हैं कि भाई फीमेल को सपोज पुराने किसी ज़माने में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हिस्ट्री है या कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री है, तो आप बताएं उसे कौन सा मेथड रिकमेंड करेंगे। मैंने आपको बताया कि हार्मोनल मेथड्स नॉर्मल हालात में सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो कोई भी उसका कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट हिस्ट्री में बता देंगे कि फीमेल को MI हुआ था या कुछ हुआ था, तो आप कभी भी हार्मोनल मेथड नहीं देते, हमेशा IUCD देते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा देन अच्छा चेकलिस्ट के बाद जो हमारे पास है ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर पिल्स के, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बिल्कुल भी नहीं देनी, एक तो चेकलिस्ट है ना, एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, वो भी आपसे पूछते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव कौन सी है, वो भी आपने याद करनी है, लिखी हुई है बुक में सारी, कि कैंसर ऑफ ब्रेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई लिवर डिजीज़ है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, कोई कार्डियक एबनॉर्मैलिटी है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सिंपल आसान लफ्ज़ों में याद रखें, कोई भी एबनॉर्मैलिटी होगी ना तो डेफिनेटली हम कोई हार्मोनल पिल तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है? तो ये सारे उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके देन हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है वो है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं, वो बताते हैं कि फीमेल लैक्टेटिंग मदर है तो उसको कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए अच्छा है, मतलब वो कौन सी पिल अगर लेना चाहे तो ले सकती है। तो POPs यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है वो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अच्छा होता है, और वो भी आपको उनने MCQ में मिनी पिल्स के नाम से लिखा होगा, ठीक है, POPs के नाम से नहीं लिखा होगा, मिनी पिल्स इनको कहते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो ये लैक्टेटिंग मदर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के जो लोग होंगे उन वो अगर पिल्स लेना चाहेंगे तो वो ये होंगी, ठीक है, ये बात MCQ में सिर्फ इसमें से यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है अगला जिनको हम इमरजेंसी या पोस्ट कोइटल पिल्स कहते हैं। इसमें आपसे MCQ आता है कि वो कहते हैं कि पोस्ट कोइटल पिल में आपने पहली पिल के कितनी देर बाद दूसरी लेनी होती है, और मतलब अगर आप वो पिल बताते हैं, अगर आप ले रहे हैं जो हमारे पास एथिनाइल ईस्ट्राडियोल है तो कितनी लेंगे और कितनी देर बाद दूसरी लेंगे, तो दो पिल्स उसी टाइम और दो 12 आवर्स बाद, ठीक है, एथिनाइल ईस्ट्राडियोल, ये इसमें से MCQ आता होता है और इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा उसके बाद वंस अ मंथ या लॉन्ग एक्टिंग पिल होती है जो कि बेसिकली हमारे पास ईस्ट्रोजन की ही लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म है और वो एक ही लेते हैं, इसमें से कोई बात नहीं आती और मेल पिल्स में से भी कोई बात आती नहीं होती। जो डेंजर्स है ना जनरल डेंजर्स हमारे पास जो पिल्स से हो सकते हैं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ एक्सेल में, कि उनको उनने निमोनिक दिया है एक्स का, एक्स बॉडी एक्स होते हैं ना उसका, कि जो डेंजर्स होते हैं पिल्स के उसमें A से है एब्डोमिनल पेन, C से है चेस्ट पेन कफ,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब आपके जो चेस्ट सिम्टम्स हैं, एच से हेडेक डिजीनेस वगैरह जो आपके सीएनएस के सिम्टम्स हैं, ई से आई प्रॉब्लम्स हैं एंड एस से स्पीच प्रॉब्लम्स। तो ये आप याद रख लीजिएगा, इसके हिसाब से इन्होंने मॉनिक बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, ये तो हो गए सारे ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स। ओरल के बाद वी हैव द डिपॉट फॉर्मुलेशंस, मतलब वो के जो के ओरल के अलावा होंगे, जिसमें सबसे पहले इंजेक्टेबल्स हैं। इंजेक्टेबल्स आपसे पूछ लेते होते हैं कभी कभार कि इनकी डोजेस क्या है, वो सिर्फ याद रखने वाली। दो तरह के इंजेक्टेबल्स हैं, एक डीएमपीए होता है डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, और दूसरा होता है हमारे पास नेट ईएन, उसको कहते हैं नॉर एथिस्ट्रोन इनेंटेट, नॉरिगेस्ट के नाम से आते हैं। इनमें से कोई बात कभी भी नहीं आई ऑनेस्टली, लाइक आपकी एसीक्यू में कभी भी कोई बात नहीं आती होती, एमसीक्यू में भी ज़्यादा बातें नहीं आती। बहुत होगा तो इनकी डोज पूछ लेंगे, इसकी 150 मिलीग्राम्स आईएम है और इसकी 200 मिलीग्राम्स आईएम है, नथिंग एल्स एट ऑल। ठीक है, जो सब डर्मल इम्प्लांट्स हैं वो कितना कंटेन करते हैं लिवोनोर गेस्ट्रल 35 मिलीग्राम, ये बात आपसे पूछते हैं। इसके अलावा इसमें से भी कोई खास बात नहीं पूछते। ठीक है, वजाइनल रिंग कभी भी नहीं पूछा वैसे, मतलब सिंपल रिंग है जो हार्मोन रिलीज करता है, जो वजाइना में इंसर्ट हो जाता है और उसको 3 हफ्ते बाद रिमूव भी करना पड़ता है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास क्लासिफिकेशन में चौथा मेथड होता है वो होता है पोस्ट कंसेप्शनल मेथड। जब पोस्ट कंसेप्शनल का मतलब है कि आपकी कंसेप्शन हो चुकी है, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी हो गई है और उसके बाद इम्प्लांटेशन जो होती है आपके एम्ब्रियो कह रही हूँ, उसकी जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम है उसकी इम्प्लांटेशन वो भी हो गई है, उसके बाद अगर चाहती है फीमेल के टर्मिनेट की जाए प्रेगनेंसी तो किस तरह हो सकती है। उसके तीन मेथड्स हैं। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन का मतलब ये कि अगर एक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होता है बीच में तो उसके 6 से 14 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, मिस्ड जो आपका पीरियड है उसके 6 से 14 डेज के अंदर अंदर सिंपली आप एक जितने भी यूट्राइन कॉन्टेंट्स हैं वो एस्पिरेटर के जरिए एस्पिरेट करवा लें। डेफिनेटली ये जाकर हॉस्पिटल में ही हो सकता है, खुद से नहीं हो सकता, लेकिन ये इसमें से एमसीक्यू आता है कितने दिनों में होना है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस्ड पीरियड के 6 से 14 डेज के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये उसमें आप सिंपल एस्पिरेट कर लेते हैं सारे यूट्राइन कॉन्टेंट्स को, अगर कोई वायबल फीटस था भी, यानी कि जो बन रहा था बन सकता था फीटस, तो वो एस्पिरेट हो जाते हैं। दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, कि जान पूछ के आपकी कंसेप्शन हो चुकी है जिसमें जाहिर सी बात है कंसेप्शन के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, तो मेंस्ट्रुअल इंडक्शन करवाएं। और किस तरह से आप यूट्रस में टैबलेट इंसर्ट करते हैं जिसमें आप प्रोस्टाग्लैंडिंस और प्रोजेस्टेरॉन का जो बैलेंस है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि पूरी प्रेगनेंसी मेंटेन इसी वजह से रहती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो उसको मेंटेन रखता है और एक बैलेंस होता है आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के दरमियान में और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के दरमियान में। ठीक है, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह सकती और इसी को हम डिस्टर्ब करके इंडक्ट करवा सकते हैं। तीसरा ये कि अबॉर्शन, यानी कि फीटस को बाकायदा जाकर रिमूव कराया जाए रिवाइवल हो गया, विच इज नॉट गुड टू प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ मिसलेनियस मेथड्स उन्होंने, मिसलेनियस में आपके पास आ जाते हैं फिर से दो ग्रुप्स, जिसमें आपके एक है कि एक तो आपका मिसलेनियस एक्चुअली ना, जिसमें एक तो है कि सिंपली आप करें ना एब्सटिनेंस, यानी आप इंटरकोर्स ही ना करें तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। दूसरा कोइटस इंटरप्टस है और तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, लाइक ये कोई इतने खास आपके आते नहीं है। फिर नेचुरल मेथड्स है, नेचुरल मेथड्स की तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। पहला है बेसल बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर का राइज होता है जस्ट बिफोर ओवुलेशन, उसके हिसाब से अगर आप देखें और फीमेल उसको चेक करें हर उसका टेम्परेचर और उस हिसाब से फिर आप जो है वो इंटरकोर्स करें तो उससे हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है। कैलेंडर मेथड है, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से पता हो आपको कि भाई इतने इस दिन मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था, इतने दिन मुझे ओवुलेशन हुई होगी, ओवुलेशन के बाद जो है वो कोइटस ना किया जाए, उससे पहले हो सकता है तो हो जाए, तो ये भी सारा मतलब अपना खुद से सारा मेंटेन करने का तरीका है। फिर हमारे पास होता है एक सर्वाइकल म्यूकस मैथड, इसमें हम ये कर लेते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस को फीमेल खुद चेक करती रहती है कि वो थिक है वो थिन है, और आपको पता है कि ड्यूरिंग जो आपके ओवुलेशन के बाद का टाइम होता है उसमें थिक होता है, तो उस टाइम वो अवॉइड करते हैं फ्रॉम द कोइटस। जब ये तीनों मेथड्स को कंबाइन कर लिया जाता है ना, कैलेंडर मेथड को, आपके सर्वाइकल म्यूकस को और बेसल बॉडी टेम्परेचर को, तो उसको हम कहते हैं सिम्पटोथर्मल मेथड। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है इसलिए मैंने इतनी लंबी कहानी गाड़ी है कि आपका ये जो सिम्पटोथर्मल मेथड वो पूछते हैं क्या है। अगर नेचुरल मेथड में सबसे इफेक्टिव कोई चीज़ है तो वो क्या है, तो वो सिम्पटोथर्मल मेथड है, और वो क्या है कि पिछले तीनों की कॉम्बिनेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात अगली आ जाती है हमारे पास टर्मिनल मेथड्स। टर्मिनल का मतलब है जिसमें पक्का काम हम खत्म कर देंगे, और उसमें मेल्स में यह है कि विजेक्टमी, यानी वास डिफरेंस को हम काट दें बीच में से, ताकि आपका, आपको पता है कि यहाँ पर है वी हैव टेस्टिस, टेस्टिस के बाद एपिडिडमस, और एपिडिडमस के बाद वास डिफरेंस है जो आपके टेस्टिस में आपके स्पर्म सारे बनते हैं और उनको लेकर जाती है और यूरिथ्रा में जाकर मतलब वो लॉजन हो जाते हैं, फिर यूरिथ्रा में यूरिन के साथ वो निकल जाते हैं सीमेन फ्लूइड। अच्छा, अब अगर आपके पास हम ये जो वास डिफरेंस है इसको यहाँ से काट दें,
मेल्स की वास्ट डिफरेंस को, देयर डेफिनेटली स्पर्म्स टेस्टिस में बनेंगे लेकिन वो आगे जा ही नहीं सकेंगे, तो वो आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसकी वो पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, वो होती है कि स्पॉन्टेनियस रीकैनलाइजेशन हो जाए, यानी खुद ब खुद विजेक्टमी करने के बावजूद भी रीकैनलाइज हो जाए ये चीज़, तो वो हमारे पास होता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। दूसरा वो ये कहते हैं कि एक इलिटरेट बंदा था, उसने ये विजेक्टमी करनी थी, तो क्या क्या उसको एडवाइस देनी है, उसके लिए आपके पास उन्हें चार पाँच चीज़ें लिखी हुई बुक में साफ साफ कि भाई अगर कोई भी बंदा आएगा विजेक्टमी के लिए तो उसको बताने के भाई इतने दिनों तक नहाना नहीं है और 30 दिन तक इजेकुलेशंस जितनी होंगी वो सारी बिल्कुल स्पर्मिक होंगी, ये 30 दिन बाद से अप्लाई होगा, और आपने स्क्रोटल सपोर्ट देनी है, क्लीन ड्राई साइट रखनी है, बुक में लिखा हुआ ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो फीमेल की स्टेरिलाइजेशन का मेथड है वो ये कि हम उसकी जो फिलोपियन ट्यूब्स है उनको लाइगेट कर दें, उनको बांध दें। डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, या आपको पता है कि ओवरी में ओवम जब फर्टिलाइज होता है तो वो जाता है फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब से फिर वो गुजर के जाता है इनटू योर यूट्रस, और फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में ही होती है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है। अगर हम फिलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दें बीच में से तो वो ओवम आगे जा ही नहीं सकता, एंड दिस इज द टर्मिनल मेथड। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें वो आपसे पूछ लेते होते हैं कि भाई आप बता दें हमारे पास कि न्यू स्टेरिलाइजेशन के क्या मेथड्स हैं। तो दो मेथड्स हैं, मैंने यहाँ लिखे भी थे जिन पे मैंने खुद ही कुछ ना कुछ कर दिए। पहला है माइक्रो इंसर्ट और दूसरा कोएनेसरीन पैलेट्स। दीज आर न्यू, बुक में नहीं लिखे हुए। माइक्रो इंसर्ट का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसे पतली सी रॉड टाइप चीज़ होती है जिसको आप कोई इंसिजन नहीं देना पड़ता, आप अपने नॉर्मल वजाइनल कैनाल के थ्रू ही जाते हैं और यूट्रस से जाएंगे, मतलब ये यूट्रस में आ गए और यूट्रस से उसको फिलोपियन ट्यूब तक ले जाएंगे, फिलोपियन ट्यूब में जाकर उसको छोड़ देते हैं। क्या होता है कि कुछ अरसे में आहिस्ता आहिस्ता ये ट्यूब फूलना शुरू करती है इनसाइड योर फिलोपियन ट्यूब, ऐसे स्प्रिंग लाइक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद इस ट्यूब के मतलब वहाँ पर एक लोकल रिएक्शन ऐसा करती है कि इसके गिट्स फाइब्रोसिस होने लग जाते हैं, जो ट्यूब हमने इंसर्ट की है, जब इसके गिट्स फाइब्रोसिस होने लग जाते हैं ना तो फिलोपियन ट्यूब जो है उसका रास्ता बंद हो जाता है और वो बिल्कुल लाइगेट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंसर्ट, और ये न्यू मेथड और बहुत अच्छा मेथड है, और इसमें कोई इंसिजन भी नहीं देनी पड़ती और ये आराम से इंसर्ट हो जाता है, लेकिन ये कि 3 महीने तक फीमेल मतलब ठीक होती है और उसके बाद जो है वो उसकी आप कह सकते हैं कि वो हो जाती है जो है कॉन्ट्रासेप्शन हो जाती है। दूसरा क्विनेसरीन पैलेट्स हैं, छोटी सी गोलियाँ होती हैं, क्विनेसरीन रिलीजिंग होती है, वो हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पर वो यूट्राइन और फिलोपियन ट्यूब्स का फाइब्रोसिस करवा देती है अपने रिएक्शन की वजह से। तो ये भी जाहिर सी बात है इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी हैं और अभी स्टडीज़ इन पर जा रही हैं, इस वजह से इनको भी हम इतना रिकमेंड नहीं करते जो क्विनेसरीन पैलेट्स हैं। इसमें इसके अलावा एक आपका बुक में जो नहीं लिखा वो है WHO क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लाइक उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिसके हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ओवरऑल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैटेगरी ए बी सी एंड डी, ठीक है। WHO ने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं ना शुरू से आखिर तक सबको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ए वो वाले हैं जो हमेशा हर हालत में इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, बी वो हैं जो ब्रॉडली इस्तेमाल होते हैं लेकिन थोड़ी सी पॉपुलेशन में नहीं हो सकते, सी वो हैं जो कि एहतियात से इस्तेमाल करने यूज़ विद कॉशन, और डी वो हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। तो इनमें क्या क्या आते हैं इनको जानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इतनी आपको बात पता होनी चाहिए। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है फेलियर रेट ऑफ कंडम का, SEQ में बहुत आता है कि फेलियर रेट ऑफ कंडम कैलकुलेट करें, सिंपल सा है। उसमें उन्होंने आपको डाटा दिया हुआ होता है, उसमें आपने लिखना है कि टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज, आपको डाटा दिया हुआ होगा कि इतने सारे कपल्स थे, हमने उनको इतने अरसे के लिए फॉलो किया, उनमें से इतनों की एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होगी कंडम के इस्तेमाल के बावजूद। तो आपने लिखना है टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स ऑफ एक्सपोजर। आपको बताएंगे कि हमने इतने कपल लिए और उनको इतने साल या इतने महीनों या इतने दिनों के लिए फॉलो किया, आपने उस सारे डाटा को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो जितनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज हुई डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, कितने अरसे तक वो कंडम इस्तेमाल करते रहे, मल्टीप्लाई बाय 1200, बुक में ये लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है और इसको आप लगा के फेलियर रेट ऑफ कंडम कैलकुलेट करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर ख़त्म करते हैं फैमिली प्लानिंग में से ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो गई हैं, किसी को कहीं भी कोई मसला हो के नासमी। थैंक यू।